नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारी फसलों में रस चूसक कीट के नाम पे सबसे ज़्यादा अटैक होता है तो थ्रिप्स, हरा मच्छर और सफ़ेद मच्छर। ये तीनों रस चूसक कीट इतने घातक है कि हमारी फसल की हालत पूरी तरीके से ख़राब कर सकते हैं। तो जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं थ्रिप्स और हरे मच्छर के ऊपर कि इनको कैसे हम सिर्फ एक प्रोडक्ट से पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अभी तक हमें अगर थ्रिप्स और हरे मच्छर को नियंत्रित करना है तो हमें दो प्रोडक्ट ला के मिला के फिर ऐड करना पड़ता है, फिर स्प्रे करना पड़ता था। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट आपका थ्रिप्स और हरे मच्छर दोनों को नियंत्रित करेगा। और मार्केट में जो दोनों फेमस प्रोडक्ट है, थ्रिप्स के लिए जो फेमस है और हरे मच्छर के लिए जो फेमस है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वाइट फ्लाई को अगर नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और उसका हम लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह शेयर कर देंगे, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे थ्रिप्स और हरे मच्छर के ऊपर। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दो जो मार्केट में फेमस प्रोडक्ट है, पहला है रिजेंट जो कि थ्रिप्स के लिए फेमस है, दूसरा है उलाला यूपीएल कंपनी का जो कि हरे मच्छर के लिए फेमस है। तो एक कंपनी ऐसी है जिसने इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक प्रोडक्ट बनाया है, परसेंटेज मात्रा भी काफ़ी अच्छी रखी है और रिजल्ट भी काफ़ी एक्सीलेंट आते हैं। तो जी हाँ किसान भाई, हम बात कर रहे हैं स्वाल कंपनी के ओक्सालिक्स प्रोडक्ट की। इसका नाम है ओक्सालिस। इसमें दो टेक्निकल है, फिप्रोनिल 15%, जी हाँ रिजेंट में सिर्फ 5% होता है, इसमें है 15%, और फ्लोनिकामिड 15% WG फार्मूलेशन मतलब जो इमामेक्टिन बारीक सेवों की जैसा आता है उसी प्रकार से इसमें से भी निकलेगा। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये उलाला वाला टेक्निकल है, ये रिजेंट वाला टेक्निकल है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप भी समझ सकते हैं थ्रिप्स पूरी तरीके से नियंत्रित होने वाला है, साथ ही साथ आपका हरा मच्छर का जो पूरा लाइफ साइकिल है पूरी तरीके से खत्म होगा इन दोनों टेक्निकल से। साथ ही साथ आपको फाइटोटोनिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उलाला में हमें फाइटोटोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हमें देखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ में अगर हम दोनों प्रोडक्ट अलग से मार्केट से ला के उपयोग करते हैं तो उनका डोज भी अप डाउन हो सकता है, साथ ही साथ में उसका रिजल्ट भी अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम इनका दोनों का कॉम्बिनेशन में उपयोग करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही सिंगल प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट हमें 19 दिखे, लेकिन अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन में उपयोग करते हैं तो जब दो टेक्निकल साथ में ऐड होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पावर में इंक्रीज होता है, पावर बढ़ती है। तो अन्य रस चूसक कीटों को भी हल्का फुल्का नियंत्रित जरूर करेगा ये। जैसे कि हम वाइट फ्लाई या माइट्स की बात करें तो हल्का फुल्का करेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन थ्रिप्स और हरे मच्छर को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से नियंत्रित करेगा। और साथ ही साथ स्वाल का भरोसा है तो हम समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट इफेक्टिव हो सकता है। तो आप इसका उपयोग करके देखें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थ्रिप्स और हरा मच्छर दोनों एक साथ में नियंत्रित होंगे। फसल के शुरुआती अवस्था में जो बेल वर्गीय फसलें हैं इन दोनों का अटैक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, हम इनका उपयोग कर सकते हैं। वैसे हम इसका उपयोग लगभग हर प्रकार की फसल में कर सकते हैं, जैसे आपका बेल वर्गीय जितने भी प्रकार की फसलें हम सभी को उपयोग कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलें जैसे मिर्च टमाटर ऐसी फसलों पर भी उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ बागवानी पर भी उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ में इस प्रोडक्ट के साथ में हम किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर ऐसी फॉर्मुलेशन में कोई फंगीसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का साथ में मिक्स करके स्प्रे नहीं करना चाहिए किसान। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का साथ में हम स्प्रे करते हैं मिक्स करके तो हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा सा अपडाउन हमें देखने को मिले, इसलिए हम कम कोशिश करें कि कम से कम प्रोडक्ट का मिक्स करके स्प्रे करें। ऑलरेडी दो टेक्निकल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें एक टेक्निकल या एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें स्प्रे ना करें। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतने ही किसान भाइयों, धन्यवाद।